इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र परिषद को भंग कर छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन और हंगामा। छात्रों ने किया पथराव, कई गाड़ियों में छात्रों ने किया तोड़फोड़, पुलिस ने किया छात्रों पर लाठीचार्ज। मौके पर एसएसपी, डीएम, एसपी सिटी सहित कई थानों में फोर्स मौजूद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुलिस छावनी में तब्दील। छात्र संघ बहाली की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने पैदल मार्च कर रहे थे प्रदर्शन। छात्रों ने पैदल मार्च निकाल कर पहुंचे वीसी दफ्तर, दिया धरना। पुलिस और छात्र नेताओं में हुई नोकझोंक, यूनिवर्सिटी कैंपस पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हजारों हजारों छात्रों का, नौजवान हजारों हजारों की संख्या में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति को बताने का काम कर रहा है कि कुलपति महोदय, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र छात्र संघ का चुनाव चाहता है और छात्र संघ का चुनाव किसी भी कीमत पर देखेंगे। छात्र परिषद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। परिषद का चुनाव तुरंत निरस्त कराया जाए। जब तक परिषद का चुनाव निरस्त नहीं होता है तब तक हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। हमें हमारा केवल छात्र संघ चाहिए, परिषद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। और उन्नीस यादव पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ चले जा रहे हैं। जिनको अरेस्टी देनी है वो रुक सकते हैं, शेष बच्चे यहाँ से जा सकते हैं। आपके पास दो मिनट का टाइम है। प्राय ये देखा जा रहा है कि कुछ बाहरी लोग जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हैं आकर के विश्वविद्यालय में अराजकता फैलाते हैं और हमारा चुनाव सन्निकट है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घटने पाए इसलिए हम केवल वैध छात्रों को एंट्री दे रहे हैं और उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक कर रहे हैं। बाहरी लोगों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंध किया गया है। कल से नामांकन की व्यवस्था है। इस बात को देखते हुए थोड़ा चौकसी और अधिक बरती जा रही है। छात्र संघ के लेकर के मांग थी कि आप जानते हैं छात्र परिषद यहाँ पर बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, तो छात्र संघ को लेकर के मांग थी। उसी मांग को लेकर यहाँ कुछ छात्र इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कानून व्यवस्था को बंद करने का प्रयास किया, परंतु उन पर काबू पा लिया गया है। 25-30 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है, उनको ले जाया गया है। वर्तमान में यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आप देख रहे हैं सारा यातायात चल रहा है, सारे लोग आ जा रहे हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी उनको हमने देखा नहीं है, क्या असेसमेंट है बताएंगे आपको, जैसा होगा उसको अपडेट करेंगे। फायरिंग की भी सूचना है? नहीं, अभी तक हमारे पास फायरिंग हुआ है सर, पथराव भी हुआ है, फायरिंग पथराव की सूचना है, जिसमें एक दो पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं कि उनको चोट लगी है, लेकिन मैं अभी मिला नहीं हूँ। लेकिन वर्तमान में यहाँ यातायात चल रहा है, सारी कानून व्यवस्था ठीक है।